गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किट्टो ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो गया है, हम किचन में आ गए हैं। एक तरफ चाय रख दी है, एक तरफ दूध रख दी है, इधर मैं उतना पानी कर ली हूँ। एक गिलास में गर्म पानी पीती हूँ। अब मैं ग्रीन टी बनाऊंगी। आज मैं अपना ग्रीन टी लेकर, सानिया वाला टेस्ट हमको नहीं आ रहा था तो हम अपना ले लेकर आ गया। अब मैं ग्रीन टी पीऊँगी, चाय खोलेगा, बच्चे लोग जाएंगे ट्यूशन, तो इसको पहले मैं बॉयल कुक कर देती हूँ तेज आंच करके। और ये खोला रही हूँ ऊपर। आज का कोयला इतना तेज है, इतना तेज़ है। और आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर रहने का, फिर मैं आज चली जाऊँगी दिल्ली। आज का दिन देखते हैं कैसा रहता है, पूरे दिन कैसा रहता है। उसके बाद फिर दिल्ली में वही डेली उसी दो रूम में, फिर ये और बढ़िया मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइस, देख सकते हैं हम शिमला मिर्च काट रहे हैं, और मेरे जो ससुर जी का पापा जी हैं उनका बहुत मन है चाउमीन खाने का। दिन चार दिन से रट रहे थे, जिस दिन हम लोग बोल रहे थे बनाने के लिए उस दिन शिमला मिर्च नहीं था, तो बोले कि आज नहीं बनेगा। तो कुछ था ना, कुछ सामान था नहीं, बस वही शिमला मिर्च नहीं, कुछ सामान था शायद, कुछ बचा था, इसलिए कुछ जो बचा होगा। तो आज बना रहे हैं, अभी शिमला मिर्च काट रहे हैं, फिर उसके बाद जो काटेंगे आप सबको दिखाएंगे, प्याज काटेंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन पत्ता गोभी ना हलवाई का अच्छा लगता है, घर का नहीं, हलवा पत्ता गोभी वैसे नहीं अच्छा लगता है, इसमें पत्ता पत्ता। तो गाइस जब बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे देखिए प्याज काट लिए हैं और शिमला मिर्च काट लिए हैं, अभी टमाटर काटना है और मिर्चा काटना है। और इसमें थोड़ा दूध कम था तो मैं एकदम पानी जैसा लग रहा था, मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पानी गर्म हो रहा है, उसमें थोड़ा सा मिर्च डाल दिया है कि चिपके ना। तो जब भी आप लोग कोई चीज़ बॉयल करिए तो उसमें थोड़ा सा रिफाइन जरूर डालिए, वरना ये चिपकने का डर रहता है। ये 3 पैकेट है जो कि हमारी एनिवर्सरी में बचा था, बाकी सब वापस हो गया, 3 पैकेट यहाँ लग गया। तो ये जाएगा, इसमें बॉयल होगा, फिर बनेगा चाउमीन। तो वैसे देखिए प्याज, मिर्चा, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया सब कुछ काट लिए हैं। और अभी हमारे सब लोग उठ गए हैं, लेकिन हमारे पति देव अभी सो के उठे हैं, और हमने चाउमीन भी छान लिया है। अभी इसको कढ़ाई को रखने गर्म करने के लिए चाउमीन छान करके तो रख दिए हैं, पानी इसका निथर जाएगा, उसको लास्ट में डालना रहेगा। अभी तक मैगी मसाला नहीं आया, हम चाउमीन बनाने जा रहे हैं लेकिन मैगी मसाला नहीं आया अभी तक। हमारा कढ़ाई भी गर्म हो जाएगा, देखते हैं कब तक आता है। जुड़े रहिए ब्लॉग में गाइस, आज मैं आपको चाउमीन बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी कैसे बनता है चाउमीन। क्या बना रहे हो? चाउमीन, चाउमीन बना रही थी, पर चाउमीन जीरा का तड़का दे रही हूँ, प्याज और मिर्चा लाल कर रहे हैं। मटर वाला बनेगा, मटर वाला गांव वाले स्टाइल बनेगा, गांव वाले स्टाइल में। हम ध्यान दें तो ध्यान हम दें, हमें क्या पता तुम क्या रखी हो। अच्छा, कैमरा शूट कर रहे हो, तुम देखो मेरे क्या क्या रखे हैं। कीटानी बहुत बड़ी धोखेबाज है, वादा नहीं, वादा करती है लेकिन फिर बाद में धोखा देती है। अच्छा, क्या दें? किटो किटो बनाती है मैगी मसाला में चाउमीन ना? कौन कौन बनाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चाउमीन मैगी मसाला में कौन कौन घर में ना? हाँ, घर में, घर अच्छा लगता है। मैंने ना, मुझे प्राची बताई थी कि मामी आप जब भी बनाया करो ना मैगी मसाला में ही, जैसे चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गए ना, ये सब में मैगी मसाला यूज करोगे तो बहुत टेस्टी आता है। तो तब से मैं वही चीज़ यूज करने लगी हूँ। और सो वही लोग बनाता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा हमको। शिमला मिर्च, प्याज और सब कुछ मैंने डाल दिया है, अब जब थोड़ा सा ये हो जाएगा और
वंदना नहीं करेंगे इसमें मैगी मसाला नहीं पड़ता है, इसमें वो वाला मसाला पड़ता है सब्जी मसाला, तो मैं बोली कि ठीक है हम आपके लिए थोड़ा सा निकाल लेंगे, आपको वो वाला खा लेना, मुझे वाला खा लेंगे। मैगी मसाला चार पैकेट यूज करोगी? अब इसमें चार पैकेट मैगी मसाला मिक्स हो गया है, अब चिट्टू रानी इसको बनाएंगी। उसको अलग से खाना है। वाओ किट्टो जी वाओ वाओ, खुशबू काफी अच्छी आ रही है, चाउमीन वाली किट्टो रानी। अरे डर का रही हो? अरे अरे तो अक्की ट्रानी सबके लिए निकाल रही हैं। नूडल नूडल नूडल, चाउमीन चाउमीन चाउमीन, नूडल नूडल नूडल। कितने लोग हैं? बहुत ढेर सारे लोग हैं, बच्चों को कम कम दो ना, नहीं खा पाएंगे पूरा। तो किट्टू रानी ने मिली एक निकाले, पहले बोल रहे कि आप टेस्ट कर लो, हमको थोड़ा थोड़ा डर से लग रहा है ना किट्टू। सो फैमिली में टेस्ट करने जा रहा हूँ, पहले टेस्ट करूंगा फिर देखता हूँ कैसा बना है। पास हो गई, पास हो गई तुम, पास हो गई। अब लेकर जा रहे हैं, ठीक है? तो किट्टू सबके लिए लेकर जा रही है एक एक करके, अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाउमीन चाउमीन खिलाएंगी। चाउमीन अच्छी बात तो है, मैगी लग रहा है, इकट्ठे निकाल ली होती, वो भी तो रहना चाहिए। चम्मच वो रख दो, अभी नहीं है चम्मच, एक एक तो कहे लेके जा रही हो। चम्मच फोक वाला, फोक दे दो ना, चम्मच वाला तो फेंका के कूड़ा में, फोक दे दो ना, फोक लगा नहीं बैठे ना, वहाँ लगा तो है फोक, दो चार चम्मच में कहा रखा, दो निकला रहा चम्मच, प्लास्टिक वाला ढेर के डब्बा में भरे है, खाओगे नहीं सब चाउमीन, नहीं तो क्या खाओगे? किट्टू एक बार सबसे रिव्यू लो कैसा लग रहा है सबको खाने में, पूछ लो मम्मी से, डर लग रहा है क्या? पापा खाने दो। किट्टू एक एक करके सबको दे रही है नाश्ता पानी, सब ले रहे हैं। सुनाची तुम तो खाती हो, कैसा बनाए मम्मी? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। किट्टू डर रही थी, अच्छा चलो, बहुलानी लोग आई हैं, बना रही खिला रही हैं। तो गाइस सबको नाश्ता दे दिए, इतना ज्यादा यहाँ पे चाउमीन सब गिरा था तो मैंने इसको साफ कर दिया, थोड़ा सा इसको बाहर को साफ कर लेते हैं, और इसके बाद सब लोग खाली हम जा रहे हैं बर्तन धोने। ये बन रहा है पूड़ी की तैयारी हो रही है, मैंने सासू माँ से बोला था कि मुझे आलू मटर की पूड़ी खानी है, तो इसकी देखो सुबह सुबह पापा जी ने देख रहा है, सुबह नाश्ता कहीं जाने बर्तन धुलने, हम इतना रखते हैं ससुर जी के लिए, तो खाएंगे, बाकी मैं जाती हूँ ना बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ। तो गाइज जैसा कि मैंने बोला कि बर्तन वर्तन धुल कर जाऊँगी, तो बर्तन धुल करके सारा पानी निकालने के लिए धूप में रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे नहा रहे थे लोग, तो मैं बोली वहाँ पे रख दूँगी तो छिट्टा पिट्टा नहीं जाएगा जो होता है। अब नाश्ता बना लिए, बर्तन धुल लिए, काम मेरा हो गया, अब थोड़ा सा क्या करती हूँ मैं, अपना ब्लॉग सोच रही थी कि मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, सोच रही थी
ये मेरे को देख तुम हर ब्लॉग में ऐसा क्यों बोलती हो। तो गाइस सब मतलब कि चाउमीन सबको बहुत पसंद आया, खासकर मम्मी बोली कि हम पहले तो खाते नहीं थे लेकिन बनाई बहुत अच्छा हो, अच्छा लगा मुझे चाउमीन। तो ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, आपको कैसा लगा था जी? सबको बहुत पसंद आया, तो ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद ब्लॉग आएगा हमारे पतिदेव में, थोड़ा सा हम तैयार व्यार होंगे उसका आएगा, थोड़ा सा रूम में जो सामान वामान बिखरा हुआ है उसको रखेंगे रखेंगे, तो और सब ब्लॉग आएगा पतिदेव के चैनल पे, ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।